त्रिपुरा की बीजेपी सरकार को पहली बार हाईकोर्ट में हार का मुंह देखना पड़ा है। विपक्षी पार्टी INPT को चार बार रैली के आयोजन से रोकने वाली बीजेपी IPFT नीत राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट ने INPT को रैली निकालने की अनुमति दे दी है। बता दें कि त्रिपुरा में NRC अद्यतन की मांग में INPT रैली का आयोजन करना चाहती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रैली के आयोजन की अनुमति दे दी है। INPT के महासचिव जगदीश देव वर्मा ने यह जानकारी दी। উচিত বিচার চাইছিলাম, আইনি বিচার চাইছিলাম, আইনি বিচার পেয়েছি। আর ত্রিপুরার উচ্চ আদালত আইনি বিচার দিয়েছে, আমরা সন্তোষ প্রকাশ করছি, এটাই হওয়া স্বাভাবিক। সুপ্রিম কোর্টের একটা ভার্ডিক্ট রয়েছে। মিজোরাম কে দৌরে পর আই কৃষি তথা কৃষক কল্যাণ মন্ত্রালয় কি কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী কৃষ্ণা রাজ নে আজ মুখ্যমন্ত্রী আর রাজ্য কে অধিকারিয়ো কে সাথ বৈঠক কি। बैठक के दौरान उन्होंने यह घोषणा की कि मिजोरम के लिए केंद्र सरकार ने RKVY परियोजना को 11.87 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हालांकि इसमें से 90% शेयर केंद्र सरकार का जबकि 10% शेयर राज्य सरकार का होगा। मंत्री ने राज्य में एनिमल मोबाइल हॉस्पिटल परियोजना की भी घोषणा की। उन्होंने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के जरिए किसी एक राज्य में ऑयल पाम रिफाइनरी प्लांट स्थापित करने पर चर्चा करने की घोषणा की। सभी फार्मर्स के लिए अनेकों स्कीम के द्वारा हम सुविधाएं प्रदान करेंगे और हमारा मिजोरम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। और भी हमारी सारी जितनी स्कीम्स हैं उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है सीएम से, सीएम साहब को बोला मैंने कि आप सभी प्रपोजल को अतिशीघ्र सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, भारत सरकार पूरी तरह से उसको लागू करने के लिए प्रयास करेगी। मिजोरम के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे 2 एम्बुलेंस, एनिमल एम्बुलेंस के लिए यहाँ पर घोषणा की है, जिससे यहाँ के एनिमल पालने वाले फार्मर्स को बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी और भी डिमांड होगी उसको हम सब पूरा करने के लिए। रिफाइनरी की आवश्यकता है तो हम सभी लोगों ने बात किया है। भारत सरकार में देश के प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य संकल्प है कि 2022 तक का किसानों की आय को दुगनी करना, तो देश के प्रधानमंत्री जी लगातार सभी को स्कीम बना रहे हैं और सभी संसाधन दे रहे हैं। ये विषय भी मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के साथ बातचीत करके विचार के लिए रखेंगे। तो यहाँ के जो ऑयल पॉम के फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शिलांग शहर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पोलो ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा आधिकारिक कार्यक्रम में तिरंगा फहराने जा रहे हैं। कल सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद कि 12 कट्टर आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके हैं, शहर की शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष तलाशी चौकियां स्थापित की गई है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट विद रन अप टू दिस सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज ऑल ओके एंड गुड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। वी हैव बीफ्ड अप आवर सिक्योरिटी ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो bordering other districts. Prevailing situation in our bordering state, we have been making special security arrangements where we are doing nakas and checking of vehicles so that no any person with interest of disrupting the celebrations of Independence Day comes with that. 32 साल बाद गोमती जिला प्रशासन ने उदयपुर जगन्नाथ सरोवर में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बिप्लव देव ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। नौका दौड़ प्रतियोगिता में कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 टीमें महिलाओं की थी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकार की मदद के लिए मछुआरों को प्रोत्साहित किया। रामा लखो
যে ত্রিপুরা রাজ্যের মৎস্য চাষীদেরকে এই 20,000 মেট্রিক টন যে মৎস্য সেটা আমার ত্রিপুরা রাজ্যেই উৎপাদন করা, সেই বিষয়ে যে মৎস্য ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী আছে এলসি দেববর্মাকে কালকে আমি একটা যোজনা দিয়েছি, নিশ্চিত সেটা লাগু হবে। আর আমাদের যে সংস্কৃতি সে সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের ইকোনমিকে আমরা জাগ্রত করব, নতুন ত্রিপুরা গড়ব, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ব। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আজকের দিনে যে 2,000 কোটি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে সেটা মৎস্যের খাদ্য হোক আর মৎস্য চাষ হোক, দুটোটা মিলে সেটার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার এই রাজ্যেই করবে, রাজ্যের নজওয়ানরা করবে।